अभी तक 5 प्लेटोनिक सॉलिड बनाए हैं और 13 आर्किमिडियन सॉलिड। और आज जो हम लैम्प बनाएंगे उसका नाम है रोम्बिक ट्राइकोटाहेड्रन, या सरल भाषा में बोले तो 30 बोल। तो आज पहले उसको हम बना लेते हैं, फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फेसेस हैं, ये रोम्बिक फेसेस जो आपको दिख रहे हैं वो 30 हैं इसमें। और इसकी जो दूरी है इनकी, ये डायगोनल्स की दूरी, इनका रेशियो गोल्डन रेशियो में है वो। इसके पहले जो हमने 5 प्लेटोनिक सॉलिड और 13 आर्किमिडियन सॉलिड बनाए थे उनके सारे वर्टिसेस सेम थे, लेकिन जो आज हमने जो 30 पोल बनाई है इसमें दो तरह के वर्टिसेस हैं। एक वर्टेक्स वो है जिसमें 5 रोम्बस फेसेस आके मिल रहे हैं, और एक वर्टेक्स वो है जहाँ पे 3 रोम्बिक फेसेस आके मिल रहे हैं। तो इस तरह के सॉलिड्स को कैटलन सॉलिड्स बोलते हैं, और ये जो सॉलिड्स होते हैं वो जो आर्किमिडियन सॉलिड हमने बनाए थे उनके डुअल्स हैं, और ये भी 13 तरह के बनते हैं। तो ये जो आज 30 पोल बनाई है वो डुअल स्ट्रक्चर है किसका, आइकोसी डोडेकाहेड्रन का। डुअल्स का मतलब ही यही है कि अगर हम इन फेसेस के मिड पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये इन फेसेस के अगर हम मिड पॉइंट्स को मिला दें तो हमें यहाँ पे एक रोम्बस मिलेगा, और यहाँ पे भी ऐसे मिला देंगे तो एक रोम्बस मिलेगा। तो इसके मिड फेसेस को मिलाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और अगर इसके मिड फेसेस को मिला दें तो हमें यहाँ पे मिला एक ट्राइंगल, और यहाँ पे मिलेगा पेंटागन। तो इससे हमें ये मिल गया और इससे हमें ये मिल गया। तो ये डुअल स्ट्रक्चर्स हैं। इस 30 पोल को हम डोडेकाहेड्रन से भी बना सकते हैं। अगर डोडेकाहेड्रन के सारे फेसेस पे पिरामिड्स बना दें और उन पिरामिड्स की हाइट को हम इतना उठाएं ऊपर कि वो एक प्लेन में आ जाएं, उनके ट्राइंगुलर फेसेस एक प्लेन में आ जाएं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। इसमें आप देख भी सकते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा कि एक पेंटागन पिरामिड है, और पेंटागन पिरामिड इस पेंटागन पिरामिड से मिला तो ये एक रोम्बस हमें मिल गया, ये दोनों एक प्लेन में आ गए और एक रोम्बस हमें मिल गया। आखिर में आपको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और कल हम सबसे सुंदर लैम्प बनाएंगे जो इसका स्टैंड भी है, यानी इसको अगर उसके ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्टली उसके ऊपर फिट बैठ जाता है। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम गैस करके हमें भेज सकते हैं, और धन्यवाद।